हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इन व्लॉगर गौरव पर। मैं आप अपना गौरव। तो शुरू करते हैं आज के एक नए व्लॉग को। अभी सुबह हो चुकी है और मैं चलने के लिए रेडी हूँ। अभी तो बस ये मोजे ही पहन रहा हूँ, सॉक्स। और वर्षा मेरे सुबह सुबह रही है क्योंकि कल बारिश इतनी पड़ गई थी, मौसम भी खराब था, बारिश बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मौसम खराब था। इसकी वजह से मम्मी ने ये शूज धोए गए थे और ये अब तक नहीं सूखे, अभी थोड़े गीले हैं। तो हेयर ड्रायर से हम इनको सुखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूख जाए, वरना तो पूरा हाल हो जाएगा भाई। मैं सोच रहा हूँ कि शादी में ले लूँ अपने जूते भी जितने लेने हैं, मैं शूज भी, और बार बार पैसे खर्च ना करूँ यार। बस एक महीना तो रह रहा है फिर, क्योंकि जो मेरे पे थे पे टूट भी गए हैं, कुछ कुछ खराब हो गए हैं, और इस वजह से बस अभी यही बचे हैं मेरे पास। और बस उसके बाद ही लूँगा यार जो भी लेने हैं मुझे। शूज़ मैंने सुखा दिए हैं भैया पहनेगा इनको, वरना पता नहीं क्या कैसे जाता अगर नहीं सूखते। लेकिन भैया का दिमाग चला, बोला ड्रायर से सुखाएंगे शूज। और क्या, चलो जी मैंने सुखा दिए है। अभी सो के उठी थी मैं, अब काम वाम करेंगे। मम्मी ने खाना बना दिया भैया का, तो मिलते हैं आपसे बाद में भैया को भेजने के बाद। रुई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दी इसने, गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए आपको? अच्छा नेल पेंट दिखा दो, नेल पेंट दिखा दो, सब अच्छी बताएंगे फिर। दोनों हाथ पीछे रखो, लिए दिख गई, ये दिख गई रुई की नेल पेंट, दिख गई। मम्मी की बुनाई नहीं हुई अभी तक, अभी मैं धूप में जा रही थोड़ी सी देर के लिए। ये देखो डिजाइन, देखो कैसा बनाया मम्मी ने, आधा बन गया, ये आधा रह गया है ना। हाँ बस हो गया, थोड़ा सही रह गया, थोड़ा सही रह गया। मैं सोच रही थी और आज धूप बड़ी मस्त निकल रही है, मन कर रहा धूप में। अभी फिर टेलर का गई थी, टेलर का ब्लाउज देख आई हूं सिलने। अच्छा चलो ऊपर चल रहे हैं। आज बड़ी मस्त धूप निकल रही, मतलब ज्यादा देर बैठा नहीं जाने का धूप में, इतनी टाइट धूप है आज तो। देखो गीला हो रहा है यहाँ पर, बहुत तेज बारिश आई थी, 9 बजे करीब आई थी जी, बोलिया बिछाने के लिए। और ये कल के कपड़े हैं धोए हुए, आज नहीं धोए मम्मी ने। डिसाइड हो रहा था कौन नीचे जाएगा, मम्मी मैं या ये। आखिर मैं ही जा रही हूँ नीचे इनको संभाल लाने के लिए, मैं तो पागल से बैठी यार धूप में, क्या काम है, बस बैठे रहो, लेट जाओ। वो आ गई है वो हमारा सामान लेकर, वो गोपाल जी भी आ गए। गोपाल जी को भी सर्दी हो रही। सही है गोपाल जी, आप भी धूप ले रहे हो जा। कपड़े बड़े मस्त लग रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इनके। ये ना ये कपड़े वहाँ से आए थे, एक्सचेंज कर रखे या? हाँ नहीं ये वाले आए, ये लेके आई क्या, ये उस दिन सबके कपड़ों के साथ मेरा पाए थे। अब बैठा होने यहाँ पे भूल के, दो जो भैया की ससुराल से आए हैं, दो जोड़े आए थे, बर्तन थे 5, कान्हा जी का गिफ्ट भी थे, बहुत अच्छे अच्छे कान्हा जी का तो सब सामान दे रखा था उन्होंने। इन वाले गोपाल जी का तो यूं देखता दिखत पता चलता कि इनका सर का है, मुंह का है, डर जाते हैं पूरे। पापा जी आ गए हैं और हम छत पे से आ गए हैं, मम्मी खाना बनाएगी अब। नहीं खाना खाया, खाया है, हम आपके वेट में थे। ये देखो ये देखो पतिदेव है, ये देखो मेरा पतिदेव, बच्चे भी और मैं भी इंतजार में बैठे हैं कि खाना खाओगे तब। देखो वही तो, और ये खा के आ गए, हमें भी बाहर से खिला के लाओ फिर। चलो कहां से एक औरत की तरह एक आदमी भी होवे कि वो इंतजार करे। वही तो हमारे लिए बनेगा बस खाना। ओहो चल बटर खा दूंगा। सही है पापा जी, मट्ठा लेके आए पापा जी, साइड से लाइक लेके आए क्या? शाम को कढ़ी चावल बनाएंगे, कढ़ी चावल बनेंगे शाम को। सही है, तो ये 2.5 लीटर की बोतल है, ये लेके आए पापा जी बोतल को, शाम को बोल रहे हैं मट्ठा ओ सॉरी कढ़ी बनाएंगे। अब खाना कैसा करे, बनाऊ मैं तो दो रोटी बनाओ। देखो मम्मी को देखो, बेकार में 150 रुपए बाहर खर्च करना अपना लालची औरत। तिनका तिनका जोड़ के कड़ी चावल, मम्मी जी कड़ी चावल तिनका, शाम को नहीं बनेंगे क्या कड़ी चावल? मट्ठा रखी वो रोके पापा मार। सुनो ऐसा नहीं करते, घर की बचत करना सीखो, बच्चे भी तो जब भी करेंगे जब बड़े बड़े बचत करेंगे, बच्चे जब भी करेंगे कुछ सीख के। ठीक है मैं बना रही हूँ राइट, फिर मार्केट चलते हैं। जब बड़े बच्चे ही नहीं मान रहे थे छोटे क्या मान रहे। अब हम मार्केट जाएंगे और बाहर खा के आएंगे खाना, मम्मी तो मना कर रही थी पापा जी कर रहे हैं, मर्जी आप। चलो हम मार्केट से आ गए हैं और पापा जी मम्मी को लेकर चले गए दूध लेने के लिए। देखो
हम ना 5:30 बजे आया है और कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं किया और भूखे आ गए ऐसे। मतलब पापा जी ने बोला भी खा लो कुछ, बस सोचा हमने क्या खाए, समोसे लेके आए घर पर और अब समोसे खाएंगे। ये रहे समोसे, एक पन्नी तो ये रही और एक पन्नी ये रही। समोसे सर्व कर लिए और ये ना 2 जगह से लिए, इसलिए 2 चटनी है अलग अलग दिख रही होगी आपको। ये भी लग गई खाने के लिए और मैं रोटी करती हूँ, मजबूरी में ये खाना पड़ रहा है मुझे। कोई नहीं, कभी कभी तो चल जा। मम्मी आ गई है दूध लेकर और ये अभी एडिट कर रही है वीडियो। और इधर प्लान चेंज हो चुका है हमारा खाने का। मम्मी जी तो क्या बनेगा अब? अब मैं कढ़ी नहीं बनाती, शाम का टाइम है, सुबह का टाइम बनाऊंगी कढ़ी। अब बना रही हूँ गाजर का रायता। गाजर का रायता बनेगा मेरा, मम्मी गाजर कस रही है, आप दोनों के समोसे। तो गाइस अभी पंडित अंकल जी आ रहे हैं भैया के बान वान वगैरह निकालने के लिए, मिट्टी वगैरह लाई जाती है और मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। अभी चाय रख रखी है, इधर गाजर उबलने लग रही है रायते के लिए। तो मम्मी अभी बातें कर रही है, ताऊ जी बैठे हैं तो मम्मी वहाँ पे जा नहीं सकती, तो मम्मी गेट के बाहर खड़ी हो गई तब बात करें। मैं दिखाती हूँ आपको, खड़ी मम्मी। मैंने तो चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा टिफिन में दूध रखा है, तो मैंने दूध समझ कर मट्ठा घेर दिया चाय। अपने अंकल जी को ए भगवान कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। थोड़ी देर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। अब दोबारा बनाते हैं चाय। अब मम्मी बनाने लग रही है दोबारा चाय। हेलो, राम राम जी, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार आशीर्वाद। सुबह की भाग दौड़ में आज मैं ये भी भूल गई थी, अब चाय फटी तो यो भी याद आ गई। सही कह रहे हैं। आज पंडित जी आ रहे थे, मैंने पंडित जी को बुला रखा था बांध पूछना, भाई मट्टी भी आती है। अब सब आप लोग देखते रहिए, आप सबको एंजॉय करने को मिलेगा, शॉपिंग भी करेंगे आप और प्रोग्राम भी होगा, वो सब आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। जीते रहो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, आयुष्मान भव है। ओ भाई क्या मौज आ रही चीकू भैया, हेलो तो कर दे। हेलो। सही से करना, पास आके। रुई आ गई है, रुई की तबीयत खराब हो रही है। रुई क्या हो रहा है आपके, क्या लग रही है आपके, क्या लग रही है, उल्टी क्या लग रही है आपके? उल्टी लग रही है, ऐसे लग रही है। पापा जी रेडी हो चुके हैं शादी के कार्ड लेके आने के लिए, क्योंकि वे रेडी हो चुके हैं अब वहाँ पर। थोड़ा ना ये बोल रहे थे कि गीले है, सूखे नहीं है, तो इसलिए कल आने थे कार्ड, इसलिए आज आ रहे हैं, तो आज अच्छे से सूख गए होंगे। तो अब पापा जी लेने के लिए जा रहे हैं कार्ड। और कौन जाएगा साथ? पहले जाके देखते हैं, अच्छा सही होगा तो लेकर आई हो, नहीं हाँ। तो धूप थी ना? हाँ आज तो बड़ी कड़ी धूप थी, तो बस चले जाना, अंधेरा भी हो गया है, टाइम से जाओ टाइम से आओ। कार्ड आ गए हैं हमारे, ये आ चुके हैं कार्ड, ये भी आ गए हैं बाइक चला के। कार्ड वाले ने ना ये दिए है गणेश जी, जो कार्ड है उन पर छपेंगे, ये लगेंगे चिपकेंगे उसमें, उसने लगा के नहीं दिए तो खुद से ही लगाने पड़ेंगे। और पन्नी में से निकालने लग रहे हैं पापा जी, तो बस उन्होंने तो छाप कर दिए है, जो उसे लगाना वगाना है सब कुछ हमें करना पड़ेगा, तो आज तो करेंगे नहीं, कल करेंगे उस काम को। तो बस फिलहाल तो यही है ब्लॉग में, आगे का भैया देखेगा। आते हैं ना मंदिर में, रख दिया मंदिर के सामने मम्मी ने, हाँ मंदिर में रख दिए हैं।